सखियां से मत कहना, बोली बिल्कुल ना कहिए। सब सखियां जा रही भगवान का दर्शन करने। श्याम सुंदर गए और मामा कंस का 18 तार लंबा धनुष तोड़ा। कंस को पता चला है कि कन्हैया बलराम आ चुके हैं। उसी समय सभी पहलवान लगा दिए शंख चाड़ूर कुंडली अपीर हाथी। क्यों? बोले जैसे ही कन्हैया बलराम आए तो उन दोनों को मरवा देना, मेरे पास मत आने देना। भगवान श्याम गए तो पहले दरबार पर पहलवान लगे, भगवान से बोले हमसे युद्ध करो तब आगे जाओ। भगवान बोले अब तो मेहमानी कर गए पहलवानी ना। बोले कुछ भी सही। भगवान बोले ठीक है आ जाओ। एक एक करके उद्धार किया। आगे संत चाड़ूर देने लगे कुंडली अपीर हाथी से जीतो तब आगे जाओ। भगवान ने सूंड पकड़ी हाथ में और एक दो तीर करते हुए जमीन में पटका। हाथी के दांत आंख में घुस गए और हाथी का प्राणांत हो गया। दांत उखाड़े और एक एक कंधे पर रखते जा रहे जैसे शेर झूमता हुआ जा रहा हो। शंख चाड़ूर आ गए, पहले हमसे जीतो तब आगे जाओ। भगवान ने दोनों का भी उद्धार किया। उसके बाद छलांग लगाई और मामा कंस के पास में पहुंचे। उछाल के जमीन में पटका मारने के लिए चले तो मामा कंस बोले कन्हैया हमें छोड़ दो, अब हम कभी ऐसी गलती ना करेंगे, श्याम छोड़ दो। तो लिखा है चढ़े तो बूढ़े जवान समान गिने हैं। जन धूम उमान कुमान में काम कभी सर आन नहीं है। उपचार करे प्रतिकार करे हथियार कते कुछ काम नहीं है। मन मूर्ख लाख उपाय करो फिर काल के जाल से छूट न पे हो। कन्हैया ने जमीन में पटका और ऐसा घुसेता प्रहार किया है कंस मामा बेहोश हो गए समझ लो। भगवान ने बार बार प्रहार किया कंस मामा का, उद्धार किया। बोले तुम्हारा घड़ा पूर्ण हो चुका है, अब तुम नहीं बचोगे। हाँ कंस मारने वाले भैया मार दो बच्चों। लला मारो काहे ते मारे हो लली लला मारो बोल रहे ए मारे रहो मारे रहो मारे रहो मरी गए। हाँ ये 201 रुपए रामोतार सिंह नंगला आछीलाल ये भैया सम्मान कर रहे हैं। सदा सुख में जीवन रहे, सदा आगे बढ़े भगवान से कामना है।